एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने ही यूट्यूब चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों को बता दूँ, आज है थर्सडे और मेरा और मम्मी का है फास्ट, तो हम लोग को करना है पूजा पाठ। तो मैं नहा वगैरह के रेडी हो चुकी हूँ, तो मैं सोची पहले पूजा करने से पहले अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर देती हूँ यहीं से। तो चलते हैं पूजा पाठ करते हैं। मम्मी मंदिर में आ चुकी हैं, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई वगैरह कर रही हैं मंदिर का। वैसे तो झाड़ू पोछा मंदिर में हो गया है, बर्तन वगैरह वॉश करके बैठ रख दी हूँ, सब कुछ हो चुका है। तो चलिए करते हैं पूजा वगैरह, फिर मिलते हैं आपसे। और बता दें मौसम बहुत ख़राब है, यहाँ का बहुत ख़राब मौसम है, तो सब कुछ आपको पूजा करने के बाद ही दिखा पाऊँगी, क्योंकि सबसे पहले पूजा करना है, बाद में दूसरा काम करना है हमें। तो चलते हैं पूजा करते हैं। और आज मेरे कुछ पार्सल्स आए हैं, किस खुशी में सबसे तैयारी हो रही है, तो ब्लॉग के अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ आप लोग को बताऊंगी कि बहुत अच्छे अच्छे गुड न्यूज़ हमारे पास आने वाले हैं और आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं हम। ये सब कुछ इस ब्लॉग के लास्ट में पता चलेगा। अभी मैंने फिर से दो पार्सल मंगाए हैं, मेरे आ चुके हैं मिंत्रा से, तो आप लोग के साथ शेयर करने के लिए मैं अभी तक खोली भी नहीं हूँ। तो सोच रही हूँ कि सब कुछ इसी ब्लॉग में खोल के आप लोग को दिखा भी दूँ और बता भी दूँ कि किस चीज़ की हो रही है इतनी सारी तैयारी। तो चलिए पहले पूजा करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का पूजा वगैरह हो गया था। मम्मी को जल देने जाना था, पर बैठ के हम लोग कुछ बातें करने लगे। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान के सामने अगर कोई कष्ट है तो कहो, तो शायद वो उस कष्ट को समझें तो उसको पूरा कर दें। बस ऐसे ही कुछ बातें हमारी मम्मी की हो रही थी, मम्मी थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी। और फाइनली अब इसके बाद पूजा पाठ होने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगी यार रूम में। अब चलते हैं अपने रूम में, थोड़ी देर हवा लेते हैं, उसके बाद हम नीचे चलेंगे। फाइनली गाइस आप लोगों ने देखा कि पीछे पूजा पाठ मेरा हो चुका है। इतनी गर्मी कि मैं आ गई अपने रूम में पूरा रेस्ट करने, ए सी चलाई थोड़ी देर के लिए। भगवान का पूजा करने में तो हालत ख़राब हो जा रही है यार, बहुत गर्मी पड़ रही है, मतलब हद गर्मी है। इतनी गर्मी कि आदमी पागल हो गया, एक सेकंड बिना पंखे एसी का कोई रह नहीं सकता है, जब तक या तो फराटा वगैरह चलाते रहो। परमानेंट एसी में भी रहना एक नुकसानदेह है, पर इस गर्मी में तो एसी के सिवा जैसे लगता है सारी दुनिया उसी एसी में और कहीं कुछ नहीं है। तो फाइनली हमारा पूजा पाठ हो चुका है, अब चलते हैं नीचे मम्मी को और ख़ुद को चाय वगैरह पीते हैं, फिर तब उसके बाद नहीं चलते, पहले आपको मौसम दिखाते हैं। यार कितना हसीना मौसम, कितना रंगीन मौसम हुआ है, ना क्या बताया, बहुत बढ़िया मौसम है, उमस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए पहले आपको मौसम वगैरह दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम नीचे चलते हैं चाय वगैरह पीते हैं। बहुत गर्मी है, फिर लास्ट में बता दूँगी सब कुछ आज आप लोग को किस चीज़ की हुई तैयारी और पार्सल वगैरह ओपन करते हैं। तो पहले चलते हैं चाय वगैरह पी लेते, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मौसम तो बहुत अच्छा है, बट आप लोग को बता दें उमस इतनी ज़्यादा है कि क्या बताएं। और लखनऊ में मैं जब से मायके से आई हूँ ये फर्स्ट टाइम बारिश हो रही है, पर बारिश तो बहुत तेज़ है, पर देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तक बारिश होने वाली है नहीं। और बहुत ज़्यादा उमस है, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही बोला जाए। और मेरे पेड़ का ये हरियाली देखिए, जैसे गाँव की याद ताज़ा हो जाती है, बहुत ही अच्छा माहौल है जब बारिश वगैरह होती है ना। पहले यहाँ हम लोग की गाड़ी नीचे खड़ी है, आप देख सकते हैं, तो ऐसे ही देखिए बारिश बहुत तेज़ हो रही है। उसके बाद मेरा कुछ आया हुआ है पार्सल, अभी एक आया है एक नहीं आया है। तो चलते हैं पहले चाय वगैरह बना के हम लोग पी लेते हैं, फिर उसके बाद मम्मी आप लोग को दिखाएंगी पार्सल और आप लोग को कैसा लगेगा सब कुछ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मौसम देख रहे हैं इतनी हसीन मौसम है, बट अंदर कमरे में उतनी ही उमस है कि क्या बोले आप लोग। तो चलिए फिर चलते हैं, फाड़ दीजिए ना। हाँ हाँ, अरे वो तेज़ से फाड़ी है, उससे कुछ नहीं। देखिए कैसा लगता है ये वाला, फाड़ दीजिए प्लास्टिक, फाड़ दीजिए। हाँ फाड़िए तेज से ना। देखिए कॉटन की मंगाए हैं इस बार, देखिए कैसा लग रहा है। बोले हाँ बहुत महंगा है भी ये, 2200 की। रियल प्राइस सेम 2200 है, देखिए कैसा है। कैसा है मम्मी? आंचल दिखाइए, प्योर कॉटन है ना, पहनने पे अच्छा लगेगा ना। ब्लाउज वही है हाँ, जो आप ये तो आंचल आंचल है वो है ब्लाउज। हाँ
हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है। प्योर कॉटन है, यही पहन के चले जाएंगे। प्योर कॉटन है ना मम्मी? अभी एक आया ही नहीं है। चलिए शाम को दे दिया जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये थर्सडे का ब्लॉग है। बहुत लेट लेट मेरा सारा ब्लॉग जा रहा है, क्या करें यार, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है इस समय बच्चे का पेपर होने की वजह से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं बेसन का हलवा बना रही हूँ और इसमें मैं दूध का यूज करती हूँ, ना कि पानी और चीनी। एंड देसी, एकदम देसी घी डाल के बढ़िया वाला बनाते हैं। थोड़ा सा ही बेसन डालती हूँ, और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, थोड़ा ही खाना पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बेसन। और यहाँ पे देखिए, मैं बेसन को एकदम ब्राउन कर ली हूँ, और ये जब पूरा अच्छे से थोड़ा और ब्राउन हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसमें डालूंगी दूध और चीनी। और पता है, बहुत सारे लोग पानी डाल के बनाते हैं, मुझे पानी वाले हलवे वगैरह बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, और यहाँ पे मैंने चीनी डाल दिया है। और रात में हम इसी में खाना भी खिला रहे थे, फिर हाथ धुल धुल के आ रहे थे, अपना काम भी कर रहे थे, उसके बाद हम डाल देंगे एक गिलास दूध। और फाइनली देखिएगा इसके बाद मेरा हलवा कितना अच्छा बना है, ये देख लीजिए आप लोग, कितना स्मूथ स्मूथ है ना। बहुत लोग बनाते हैं तो एकदम अजीब सा रहता है। फाइनली मेरा और मम्मी का हलवा रेडी हो चुका है। चलिए चलते हैं, मम्मी को पहले देते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मेरा दूसरा पार्सल आ चुका है। और आप लोग को बता दूँ कि मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा, पता नहीं क्या हो गया था मोबाइल में कि जो रियल वॉइस थी वो आ ही नहीं रही थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ मेरा ये सेकंड पार्सल है और मम्मी ही इसको ओपन कर रही हैं। ये मैंने चुनरी साड़ी मंगाई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है चुनरी पहनना। आपसे क्या बताया, मैं पिंक कलर जितनी कोशिश करती हूँ, रेड ग्रीन जो भी मिले सब पहनते हैं, तो इस बार मैंने रेड कलर की चुनरी मंगवाई है, काफ़ी अच्छी है, मिंत्रा से है। तो आप लोग भी इसको देखिए और आप लोग बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है। मम्मी तो बहुत तारीफ की, और रियल में एकदम प्योर शेफोन की साड़ी है, बहुत अच्छा है। आप लोग भी चाहो तो इसको परचेस कर सकते हो, और एवरेज रेंज में है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है। तो मम्मी बहुत सारी बातें इसमें कही थी, बट क्या ही बोले। तो मम्मी ने ये बोला कि तो मतलब एक सुहागन औरत चुनरी जब तक पहनती हो, तुम लोग की तो एज है, तुम पहना करो, अच्छा लगता है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि मैं पिंक कलर की भी एक चुनरी पहनती हूँ। तो मम्मी बहुत सारी बातें इसमें कही थी, बट रियल में क्या ही बताया, रियल वॉइस तो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बस ऐसे ही मम्मी का आशीर्वाद और प्यार मेरे ऊपर बना रहे, हम दोनों पति पत्नी आपस में खुश रहें, बस यही चाहिए और क्या ही चाहिए। और माँ बाप का प्यार होना, बेटे बहू या बेटी दामाद जिसके लिए भी, होना बहुत ज़रूरी है। तो मम्मी वही ब्लाउज़ वगैरह चेक कर रही थी, बोली अब तो तुम्हारी दो साड़ी आ गई है, तो चलो तुम ब्लाउज़ वगैरह दे दो। यहाँ बता रही थी कि बिल्कुल कम्फर्टेबल साड़ी है और पहनोगी तो बहुत आरामदेह है तुम्हारे लिए, क्योंकि मम्मी जानती है मुझे कंफर्टेबल साड़ी अच्छी लगती, मुझे बहुत ज़्यादा तामझाम वाली साड़ियाँ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। और बीच में मेरा बेटा भी बहुत परेशान कर रहा था, बार बार वो परेशान, अम्मा खाना खिला दो, मैं सो जाऊँगा नहीं तो गुस्सा हो जाऊँगा। तो बहुत सारी चीज़ें, बच्चे रहते हैं तो कुछ भी नहीं हो पाता है। काफ़ी लेट मेरा ये आप लोग बोल सकते हो कि पार्सल आया, इसलिए मुझे लेट लेट आप लोग के साथ शेयर करना पड़ रहा है। फाइनली चलिए चलते हैं, थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं और आगे बातें करते हैं। तो फाइनली गाइस, मैं आ गई आप लोग से करने ढेर सारी बातें। ये मेरा नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। एक्चुअली मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है आप लोग को बताऊँ, मेरे पास टाइम की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं फैमिली में रहती हूँ, तो जो फैमिली से अटैच होगा उसको तो पता ही होगा कि फैमिली में रहने का मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ता है, सारी चीज़ें करके अपने आप, मतलब एक होता है अपने को टाइम देना, मीन्स आप कह सकते हो अगर फैमिली में हो तो पूरे सारे लोगों को सारी चीज़ें देख के आओ, सबका क्या है, कैसे खाना खिलाना, क्योंकि सबकी हर चीज़ की टाइम अलग होती है, तो इसलिए सब कुछ क्लियर करके हमें अपने रूम में आना पड़ता है ना, तो थोड़ा मुझे भी टाइम लगता है। और मेरा ब्लॉग, वैसे कोशिश मैं यही करती हूँ कि हर दूसरे दिन मेरा ब्लॉग आप लोग के पास पहुँच जाए, बट रीज़न क्या हो जाता है, एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, थक जाती हूँ। मॉर्निंग के 5 बजे मैं उठती हूँ आप लोग को बताऊँ, और उसके बाद पूरे दिन का शेड्यूल मेरा बिज़ी रहता है, रात में चक के एडिटिंग करती हूँ। 2 दिन से मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से एडिटिंग वगैरह नहीं हो रही थी। बाकी फ़िलहाल तो देख सकते हैं, थोड़ा बहुत आज रिलीफ हुआ मुझे, तो आज मैं वीडियो शूट करना स्टार्ट की। मेरे पास पुराने ब्लॉग कितने सारे हैं कि मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। फिलहाल तो मैं पुराने को सोचती हूँ कि डिलीट ही कर दूँ, जब मैं नहीं आप लोग के साथ शेयर कर पा रही हूँ तो इतना लंबा ब्लॉग रखने का क्या मतलब है यार। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि हम न्यू ही चीज़ अपडेट देती रही हूँ। और पीछे आप लोग ने देखा कि मैंने साड़ी वगैरह मंगाया है फिर से मिंत्रा से, साड़ी वगैरह, इतनी सारी शॉपिंग किस खुशी में हो रही है।
बहुत सारे लोगों को था, पिछले ब्लॉग में पूछे थे लोग कि दी आपने दी भाभी जो भी कि आप किस खुशी में इतनी साड़ी मंगा रही हो, क्या बात है, कुछ है क्या आपके यहाँ फंक्शन। तो पहले आप लोग ये मुझे बताइए कि आप लोग को मेरी साड़ी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं बहुत अच्छी साड़ीज बनी हूँ, आपको बताऊँ येलो वाली थोड़ी कॉस्टली पड़ी है, बट ये है कि पहनने पे बहुत यूनिक एकदम लगेगा पहनने पे। और मेरे पास थर्सडे की येलो पहनने के लिए साड़ी जो थी वो मुझे बहुत ज़्यादा सिल्की टाइप की यार ना बहुत सरकता है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको न्यू लिया कि येलो येलो थोड़ा ब्लाउज वगैरह, थर्सडे का पूजा वूजा करो तो येलो साड़ी वड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने येलो लिया। और रेड वाली तो इसलिए लिए कि आपको बताया मुझे चुनरी पहनना इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। और आपको बताऊँ मेरी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी मम्मी मीन्स मेरे मायके वाली मम्मी को, उनको रेड कलर आप कह सकते हो, रेड येलो जितने डार्क कलर होते हैं उतने ही मेरी भी चॉइस है। मुझे लाइट कलर की साड़ी वगैरह बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, मुझे लगता है यार मेरी एज है। और ऐसे एडिटिंग ऐसे ब्लॉग शूट करने में ना हाथ दर्द होने लगता है, एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। मेरी मम्मी का क्या है वहाँ वाली कि उनको ये रहता है कि जब तक भगवान ने सब कुछ बनाया है तो हमें रेड येलो ग्रीन जो भी है सारे कलर्स पहनने चाहिए, फिलहाल वो भी ये सही कहती हैं, तो उन्हीं की आइडिया मेरे पास भी। मुझे भी चुनरी वगैरह पहनना आप लोग से बताऊँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और तो इसीलिए मैंने रेड चुनरी मंगाई। आप लोग ने मेरे वीडियो में देखा भी होगा कि मैं पिंक कलर की भी चुनरी पहनती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। दो दो चुनरी मैं पहनती हूँ, पिंक और रेड करके, येलो करके, ऑरेंज और रेड पिंक ऐसे करके तीन कलर है उसमें, तो फिर से मैंने रेड चुनरी वगैरह। और मेरी मम्मी ने मीन्स मेरी सासू माँ ने इतनी अच्छी मुझे बात बोली, बट वहाँ वीडियो ही म्यूट हो गया है, आवाज़ ही नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है, आप लोगों ने पीछे सुना होगा। तो कुछ बातें थी जो मुझे याद नहीं आ रहा था कि मम्मी क्या बोली थी, दो दिन पहले का कुछ वीडियो है, कुछ उसके नेक्स्ट डे का वीडियो ऐसे करके है मेरे पास। एक्चुअली मेरे टाइम की वजह से ना मुझे बहुत दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं, मुझे फैमिली का पहले करना है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मेरी फैमिली है, मेरा बच्चा है, मेरे हस्बैंड है, बाकी सभी चीज़ें बाद में हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली को कोई तकलीफ इन चीज़ों से ना हो, कि जो मैं कुछ भी करूँ तो उनको इस चीज़ से तकलीफ हो कि घर की कोई चीज़ नहीं करती, कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेती है, सारी चीज़ सिर्फ मोबाइल से है, तो मैं वो नहीं चाहती हूँ गाइस। मैं चाहती हूँ कि उनको कोई भी मेरी वजह से तकलीफ कभी ना आज 10 सालों में हुई है और ना हो, मैं ये नहीं चाहती हूँ। तो फिलहाल यही सारी बातें थी, क्या ही बताएं। तो साड़ी हमने खरीदी, अभी मेरी एक साड़ी और पेंडिंग में है, वो कुछ दिन बाद डिले हो चुकी है, तो थोड़ी देर दिन बाद आएगी तो आप लोग को दिखाएंगे। अगर आ गई तो एक बार आई थी, फिर मैंने उसको कैंसिल किया दूसरी चॉइस की, तो जो है जब भी आएगा तो आप लोग के साथ शेयर ही करूँगी। फिलहाल आप लोग पूछे कि क्या है, किस खुशी में शॉपिंग हो रही है, तो आप लोग को बता दूँ, फैमिली को, फैमिली मैंने इस चीज़ का परमिशन लिया कि मुझे मम्मी बताना चाहिए कि नहीं, तो मम्मी ने अभी फ़िलहाल के लिए मना किया है कि अभी नहीं बताना है, तो इसलिए सॉरी गाइस मैं अभी नहीं बता सकती आप लोगों को कि किस खुशी में इतनी सारी शॉपिंग हो रही है। समय आने पे सब कुछ बताऊंगी, थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मम्मी का कहना है कि थोड़ा टाइम हो जाने दो फिर बताना, अभी नहीं बताओ, हर चीज़ का एक वक्त आता है, तो उसी वक्त पर मैं वो बता दूँगी, इसके लिए सो सॉरी। आप लोग को बताऊँ मैं ये जो वीडियो आज शूट कर रही हूँ ना, मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं की हूँ, दोपहर में रेस्ट ना करके मैंने पहले वीडियो शूट किया कि मुझे ब्लॉग अपलोड करना है, इसलिए फटाफट पहले शूट कर लेते हैं फिर अपलोड कर देते हैं, तो ऐसे ही सारी बातें हैं। और जो रही बात कि मैंने नहीं बताया, तो इसके लिए प्लीज़ आप लोग निगेटिव कमेंट न करिए, हर चीज़ मैं अपनी फैमिली के हिसाब से ही कर सकती हूँ बिना फैमिली के परमिशन के। कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं बिना फैमिली के परमिशन के नहीं कर सकती हूँ, इसमें मेरी सासू माँ का परमिशन होना चाहिए जो उनका अभी नहीं है, उन्होंने बोला है कि 10 दिन बाद कोई चीज़ बताना, तो 10 दिन बाद समय आ जाएगा गाइस, तो मैं आप लोग को बता दूँगी, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें है ना कि 80% पॉजिटिव है, 20% नेगेटिव में है, तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हौच पौच चीज़ें चल रही है, जब क्लियर हो जाएगी तो मैं आप लोग के सामने मम्मी के ही द्वारा मैं आप लोग को बता दूंगी, मैं खुद नहीं बताऊंगी, मम्मी आप लोग को खुद ही बता देंगी, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे। होता है ना सब्र का फल मीठा होता है, तो गैस थोड़ा सा सब्र रखिए, सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है, सब कुछ अच्छा अच्छा ही बताऊँगी आप लोग के साथ। तो फिलहाल आप अगर आप लोग को मेरी ये साड़ी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आप लोग देख रहे तो मैं लिंक आप लोग के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी आप लोग के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करेगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लिया करो गाइस, जब भी मैं लाइव आऊँ तो आप लोग बहुत कम लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं, ऐसा क्यों, मैं तो हर चीज़ टाइम टू टाइम रहती हूँ फिर भी आप लोग मुझसे कनेक्ट नहीं होते, मुझे बहुत इच्छा होती है कि लाइव में आऊँ तो मुझे मेरी
मेरी इतनी अंदर से ये एक्साइटमेंट रहती है कि मेरे पास 65,000 की फैमिली हो चुकी है यार, तो 65,000 में तो कम से कम 1,000 लोग तो मुझे लाइफ में कनेक्ट हो जाया करो आप लोग। आप लोग नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हो ना, इसीलिए आप लोग को बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो, ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर दिया करो, तो आप लोग को सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे गाइस। तो प्लीज़ आप लोग किया करो, क्योंकि जब मैं लाइव आती हूँ तो मुझे भी एक होता है, मेरी इतनी बड़ी फैमिली है तो उस फैमिली में 1,000, 2,000, 10,000 तक की फैमिली मेरे साथ जुड़ सकती है। और मेरी टाइमिंग भी है एकदम एक्यूरेट टाइम पे, मैं 11:30 मॉर्निंग में आती हूँ और रात में भी कभी कभी टाइम रहता है तो आ जाती हूँ, रेगुलर नहीं रहती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मुझसे लाइव में भी कनेक्ट हुआ करिए और खूब सारा ब्लॉग को प्यार दीजिएगा एंड सपोर्ट करिएगा, जितना जितना शेयर कर सकते उतना शेयर कीजिएगा आप लोग। और क्या ही बोले, ऐसे ब्लॉग और शॉर्ट्स को मेरे खूब सारा प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। चलिए गाइस फिर चलते हैं, मिलते हैं हमसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।